गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स. टुडे आई विल टीच यू सोशल साइंस. येस्टरडे वी स्टार्टेड अ चैप्टर इन सोशल साइंस इन ज्योग्राफी. दैट इज द चैप्टर वन, द सोलर सिस्टम एंड द अर्थ. ओके, इस चैप्टर में अभी तक हमने जो क्रम है प्लैनेट्स का, उस क्रम के बारे में डिस्कस किया. ठीक है, इसके अलावा हमने इस चैप्टर में यूनिवर्स के बारे में डिस्कस किया है. ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज. ओके, इसमें इन्फो पेबल और हम देख लेते हैं, ये इसके बारे में एडिशनल देख लेते हैं. द ब्लैक होल वॉज क्रिएटेड बाय द कोलैप्स ऑफ मैनी स्टार्स. देखिए, ब्लैक होल यूनिवर्स में एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ब्लैक होल, जो कि कई सारे स्टार्स के कोलैप्स होने से यानी कि टकराने से बनता है. प्रेजेंटली इट इज़ अंडर ग्रेट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन. और अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो इस ब्लैक होल पर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी. ठीक है, इसकी जो खोज है इसके बारे में और अधिक जानकारी लेने के लिए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन अभी ब्लैक होल पर चल रहा है. ठीक है, देखिए, सेलेस्टियल बॉडीज़ एक हेवनली बॉडीज़ होती है. ये सभी सेलेस्टियल बॉडीज़ के एग्जांपल्स हैं, आप इसमें देख सकते हैं. सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टार्स. ठीक है, सन क्या है? सन इज़ नॉट अ प्लैनेट, सन इज़ अ स्टार. ओके, ये सभी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, गैलेक्सी, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मीटियोर्स, मीटोरॉइड्स एंड मीटोराइट्स. ठीक है, इन सभी के नीचे एग्जांपल भी दिए हों. देखिए, गैलेक्सी का एग्जांपल क्या है? मिल्की वे. प्लैनेट, प्लैनेट के और भी एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिया हुआ है? अर्थ लिया हुआ है. ओके, सैटेलाइट. अब सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट वो ऑब्जेक्ट होता है जो किसी भी हेवनली बॉडीज़ के चारों चक्कर लगाता है. अब जैसे कि मून है, तो मून क्या होता है? मून इज़ नॉट अ प्लैनेट. तो ठीक है, ये सैटेलाइट होता है. किसका सैटेलाइट है ये? ये नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, तो ये अर्थ के चारों चक्कर लगाता है. ओके, एस्ट्रॉइड्स. एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? स्वार्म ऑफ रॉक पीसेस, यानी कि जो पत्थरों के जो टुकड़े होते हैं, ठीक है, उन्हें एस्ट्रॉइड कहा जाता है. कॉमेट्स. कॉमेट्स क्या होते हैं? हैलीज कॉमेट्स. ठीक है, हैली का जो कॉमेट है, ये इसका एग्जांपल है कॉमेट का. ठीक है, फर्दर हम आगे जब डिस्कस करेंगे तो ये सभी टॉपिक्स हमारे आगे आएंगे. मीटियोर्स, मीटोरॉइड्स एंड मीटोराइट्स. शूटिंग स्टार्स जो होते हैं, जो रात में हमें शूटिंग स्टार्स दिखाई देते हैं, ये सभी एग्जांपल होते हैं मीटियोर्स, मीटोरॉइड्स के. ठीक है, चलिए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब हम लेंगे इसमें, वो लेंगे हम गैलेक्सी. ठीक है, तो गैलेक्सी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. स्टार्स फाउंड इन ग्रुप्स आर कॉल्ड गैलेक्सीज. देखिए, जो स्टार हमें ग्रुप में मिलते हैं, जो स्टार हमें किस में मिलते हैं? ग्रुप में मिलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हम गैलेक्सी के नाम से जानते हैं. ठीक है, देयर आर क्लाउड्स ऑफ गैसेज एंड डस्ट फाउंड बिटवीन द ग्रुप्स ऑफ स्टार्स कॉल्ड नेब्यूला. अब देखिए, नेब्यूला क्या होता है? नेब्यूला जो है क्लाउड ऑफ गैसेज होता है, यानी कि गैसेज का एक बादल होता है. ठीक है, और डस्ट और गैसेज का बादल होता है, जो कि किसके बीच में पाया जाता है? ग्रुप ऑफ स्टार, यानी कि जो स्टार्स का जो ग्रुप होता है उसके बीच में ये गैसेस का और डस्ट का एक बादल होता है, वो पाया जाता है. इस बादल को हम क्या, किस नाम से जानते हैं? नेब्यूला. इसी को हम नेब्यूला बोलते हैं. ठीक है, इट इज़ वेयर न्यू स्टार्स आर बॉर्न. ये वो जगह होती है जहाँ पर नए स्टार्स बनते हैं. ठीक है, द सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी. सोलर सिस्टम किसका पार्ट होता है? सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट होता है. इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज द होम गैलेक्सी. इसे किस नाम से जानते हैं? होम गैलेक्सी के नाम से भी जानते हैं. द गैलेक्सी क्लोजेस्ट टू अवर ओन इज द ग्रेट स्पायरल गैलेक्सी ऑफ एंड्रोमेडा. और देखिए, जो गैलेक्सी सबसे नज़दीक है वो गैलेक्सी का क्या नाम है? गैलेक्सी ऑफ एंड्रोमेडा. ठीक है, इट इज़ अबाउट 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स अवे. अब देखिए, यहाँ पर ये लाइट ईयर्स लिखा हुआ है. लाइट ईयर्स क्या होता है? लाइट ईयर्स जो है
डिस्टेंस होती है, यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें सन से अर्थ की डिस्टेंस की बात करें, तो ये डिस्टेंस जिसमें मेज़र की जाएगी, जिस यूनिट में मेज़र की जाएगी, उस यूनिट को हम लाइट ईयर्स के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस अगर हम मेज़र करें तो किस में करेंगे, किलोमीटर में करेंगे। लेकिन जब प्लैनेट की बात की जा रही है सन से या किसी और प्लैनेट की बात की जा रही है डिस्टेंस की, तो उसे लाइट ईयर्स में मेज़र किया जाता है। तो ये जो एंड्रोमेडा है, गैलेक्सी ऑफ एंड्रोमेडा है, ये लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स अबे, यानी कि इतना मिलियन लाइट ईयर्स ये दूर है, 2.5 मिलियन, ठीक है। दैट इज़ अ डिस्टेंस ऑफ 20.8,000 क्वाड्रिलियन किलोमीटर। ये किलोमीटर में डिस्टेंस दी हुई है, 20.8,000 क्वाड्रिलियन किलोमीटर। ओके, चलिए गैलेक्सी टॉपिक के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक हम ले लेते हैं स्टार्स। ओके, स्टार्स क्या होते हैं? देखिए, स्टार्स द शाइनिंग ऑब्जेक्ट इन द स्काई आर कॉल्ड स्टार। देखिए, वो चमकती हुई चीज़ जो हमें रात में दिखाई देती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, हम स्टार बोलते हैं, ठीक है। देखिए, सन भी एक स्टार है। दे आर ह्यूज मासेस ऑफ बर्निंग गैसेस दैट गिव्स ऑफ देयर ओन हीट एंड लाइट। स्टार्स की क्या खासियत होती है, ये बहुत बड़े होते हैं, ह्यूज मासेस, बहुत वजन होता है इनमें, और ये बर्निंग गैसेस, मतलब इसमें गैसेस से मिलकर बने होते हैं ये, और एंड दैट गिव्स ऑफ देयर ओन हीट, और अपनी खुद की हीट होती है उनकी, और लाइट भी अपनी खुद की निकालते हैं ये, ठीक है। जैसे कि सन है, सन की अपनी खुद की लाइट होती है, यानी कि वो चमकता है, क्यों चमकता है, क्योंकि अपनी खुद की लाइट की वजह से। ओके, दीज सेलेस्टियल बॉडीज हैव ग्रेट मास एंड एग्जर्ट अ पुल कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स ऑफ स्टार्स एंड कीप्स ऑल सेलेस्टियल बॉडीज इन प्लेस। अब देखिए, ये जो सेलेस्टियल बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज़ मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, प्लैनेट्स जितने भी होते हैं सब सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं, और इनमें बहुत ज़्यादा मास होता है, वज़न होता है इनमें। ये एक बल लगाते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, क्यों, क्योंकि एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है काम करता है, आकर्षण शक्ति होती है, जो कि जिसके कारण कि ये जो फॉर्म होते हैं ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, वो इसी वजह से होते हैं। और ये सभी जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं अपनी जगह पर ही रहती हैं, और अपनी जगह पर रहते हुए ये सन के चारों ओर क्या करती हैं, चक्कर लगाती हैं, ठीक है। और ये एक अपनी पोजीशन पर किस वजह से रह पाती हैं, अपनी पोजीशन पर वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही रह पाती हैं, ठीक है। ऑन अ क्लियर स्काई व्हेन वी लुक एट द स्टार्स एट नाइट सम स्टार्स शाइन विद स्टीडी लाइट वाइल अदर सीम टू ट्विंकल। अब देखिए, अगर हम साफ आसमान में जब हम देखते हैं, तो रात में जब हम देखते हैं तो स्टार जो चमकते हुए दिखाई देते हैं, कुछ बिल्कुल क्लियर चमकते हुए दिखाई देते हैं, कुछ स्टीडी लाइट में तो कम लाइट के साथ में चमकते हुए दिखाई देते हैं। दिस इज़ बिकॉज द लाइट फ्रॉम स्टार्स पासिस थ्रू द वेरियस लेयर्स ऑफ एटमोसफियर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो लाइट आती है हमारे पास, कई सारी लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर में, यानी कि जो बात हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें वेरियस टाइप ऑफ लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स में से होती हुई ये लाइट हम तक पहुंचती हैं। इसीलिए ये कुछ जो स्टार ऐसे होते हैं जो बिल्कुल क्लियर हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, कुछ हल्के चमकते हुए दिखाई देते हैं, विद वेराइंग डेंसिटीज बिफोर रीचिंग अवर आईज, यानी कि जब हमारे आँखों तक जब इनकी लाइट पहुँचती है, जब हम उन्हें देखते हैं, तो ये बहुत सारी जो लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर में, उससे होकर के ये लाइट हम तक पहुंच पाती है। सम लाइट रीचेज अस डायरेक्टली वाइल सम चेंजेस ड्यू टू द मूवमेंट इन द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। कुछ लाइट ऐसी होती है जो कि डायरेक्टली हम तक पहुंच जाती है, और कुछ लाइट ऐसी होती है जो कि एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती हैं, ठीक है, उनके मूवमेंट के कारण वो हम तक पहुँचती हैं, ठीक है। तो ये स्टार का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कॉन्स्टिलेशन, इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं स्टार टॉपिक के साथ। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉन्स्टिलेशन फॉर नेक्स्ट क्लास। ओके।